गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। तो बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है बेटा अमाउंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स। कि जैसे कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की जो अमाउंट है, इस फोर्स की जो अमाउंट है या इस फोर्स का जो मेजरमेंट है, उसी को अपन कहते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोल दूं कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये 10 न्यूटन क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड रेफर्स टू दैट मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ और अमाउंट ऑफ द अप्लाइंग फोर्स। अमाउंट ऑफ द अप्लाइंग फोर्स को ही अपन क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। बेटा इफेक्ट ऑफ ए फोर्स क्या है? कि फोर्स की वजह से बॉडी में कैसे कैसे इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है, बॉडी की शेप और साइज चेंज हो सकते हैं। वो किसकी वजह से बेटा? फोर्स की वजह से। यही अपने को पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट है बेटा फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर सकता है बेटा? बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो अभी किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर। मतलब रुकी हुई है, स्टेशनरी है। तो इसकी स्टेट को चेंज करने है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में ही ये क्या करने लग जाएगी बेटा? मूव करने लग जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो अपन ने क्या किया? फोर्स से इसकी स्टेट को चेंज कर दिया। रेस्ट से किसके अंदर लेके आ गए? इसको मोशन में। तो ये बॉडी फोर्स की वजह से अपन बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या अपन इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको अपन रेस्ट में भी ला सकते हैं। जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? इसको रेस्ट में लाना है। तो बेटा मोशन के अपोजिट मैंने क्या कर दिया? इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। मोशन के अपोजिट इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने? फोर्स लगा दिया। तो ये बॉडी कुछ टाइम के बाद में किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। कुछ टाइम बाद ये रेस्ट में आ जाएगी। तो ये चीज लिखी हुई है, ए फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बाय मूविंग ए स्टिल ऑब्जेक्ट और बाय स्टॉपिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इफ यू किक ए स्टेशनरी बॉल, आप स्टेशनरी बॉल पे किक करते हो, तो बॉल किस में थी? किस स्टेट में थी? रेस्ट में थी। और जैसे अपन ने किक किया, मतलब उस पे फोर्स लगाया, वो किसके अंदर आ जाएगी बेटा? मोशन के अंदर आ जाएगी। और पिक ए बुक, अपन जब बुक को उठाते हैं तो बुक पहले किस में थी? रेस्ट में। जैसे मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, वो किसके अंदर आ गई? मोशन के अंदर। यू डू सो बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड द स्टेट एंड ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली इफ यू कैच ए बॉल व्हाइल प्लेइंग, यू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जब आप बॉल को कैच करते हो तो बॉल पहले किसके अंदर थी बेटा? मोशन के अंदर। जैसे अपन कैच करते हैं तो अपने हाथों से उस बॉल पे अपन ने क्या किया? फोर्स लगाया, और वो किसके अंदर आ गया बेटा? रेस्ट के अंदर। तो अपन बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं किससे? फोर्स से। नेक्स्ट है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से अपन मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अपन गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल का गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर अपन जब गेम खेलते हैं तो फोर्स लगाते हैं हाथों से, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही उसकी वॉलीबॉल की डायरेक्शन हो जाती है।
जिधर अपन फोर्स लगाएंगे उधर ही ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किस से बेटा? फोर्स से। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से अपन ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी इलास्टिक बॉडी है उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जैसे रबर को अपन खींचते हैं तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अपन ने उसके ऊपर फोर्स लगाया जिससे उसकी पोजिशन शेप वो चेंज हो गई। ठीक है, तो फोर्स से अपन क्या कर सकते हैं? शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट है बेटा फोर्स के। कौन कौन से हैं? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ इफेक्ट है और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे।